बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2019 में सहायक उर्दू अनुवादकों का इम्तिहान लिया। 2022 में काउंसलिंग के बाद तकरीबन 1200 उम्मीदवार कामयाब हुए। उनमें 600 ऐसे उम्मीदवार हैं जो इंतहाई पसमानदा और पसमानदा बिरादरी से आते हैं। उनके NCL और EWS का मामला अटका। SSC ने कहा कि अगर अप्लाई के वक्त का नहीं होगा तो इनको अटेंड नहीं किया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट ने पहल की, इन लोगों को इनकी उम्मीद जगी, इनकी काउंसलिंग हुई और उम्मीदवारों को अब रिज़ल्ट देना है। लेकिन ये बेचारे गरीब मुसलमान, चूँकि ये मुसलमान हैं इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तमाम वज़रा और अफसरान से मुलाकात हुई, हर रोज़ इनको आश्वासन मिलता है। नई फिक्र से इन लोगों ने मुलाकात की और इनसे खुसूसी बात हुई। आइए इन लोगों ने जो कहा वो सुनते हैं। SSC ने 2019 में एक इम्तिहान लिया, 22 में एक रिज़ल्ट आया। NCL और EWS के तकरीबन 600 के आसपास ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका मामला अब लटक गया है। ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर, तमाम मुस्लिम वज़रा, ग़ुलाम रसूल बलियावी, जमा खान, शहनवाज, आफाक आलम और दूसरे कई मुस्लिम वज़रा तक ये लोग गए। महबूब आलम ने इन लोगों के मामले पर वज़ीर आला को ख़त लिखा, उन एक जवाब आया कि उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक कोई रिज़ल्ट नहीं सामने आया है। अगर अफसरान के तासुब का चश्मा वही कायम रहा तो हुकूमतें लाख बदले, लाख मसीहाई का दावा हो, मामला वहीं का वहीं रहेगा। हमारे साथ ये वो तमाम उम्मीदवार मौजूद हैं जो कई जगह का तवाफ करके थक चुके हैं, अब कहीं और जाने की तैयारी कर रहे थे। हमारे सामने साथ फिरोज साहब हैं। क्या मामला है फिरोज साहब, क्या बातें हुई हैं अब तक? जी, हम तमाम EBC, OBC और EWS से मुतासिर उम्मीदवार जिन्होंने सहायक उर्दू अनुवादक के मुख्य परीक्षा को पास किया है, और जब इनकी काउंसलिंग हुई तो काउंसलिंग के दौरान वहाँ के लोगों ने हम लोगों को बताया कि अगर आपके पास 2019 का NCL या EWS नहीं होगा तो आपको फाइनल रिज़ल्ट से डायरेक्ट छांट दिया जाएगा, नौकरी से आपको वंचित कर दिया जाएगा, महरूम कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने, जैसे ही हम लोगों का रिज़ल्ट आया, हम लोग उस दिन से लेकर आज तक तमाम अफसरान की यहाँ पहले अपनी दरख्वास्त दिया कि भाई हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। और हम लोगों के पास नया NCL भी है और नया EWS भी है। फ़र्क ये है कि हमारे पास 2019 का ना NCL है ना EWS है। तो इसमें तकरीबन 556 उम्मीदवारों में से 500 लोग जो हैं प्रभावित हैं, जिनके पास पुराना ना NCL है ना EWS है, जिसको लेकर हम लोगों ने तमाम लोगों से मुलाकातें की और अफसरान से मुलाकातें की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर हम लोगों ने मुलाकातों का दौर को जारी और सारी रखा, जिसके बीच में सरकार तब्दील हो गई तो हम लोग मारे खुशी के झूम गए कि अब तो हमारी सरकार है, गरीब पिछड़े की सरकार है। आप इस बात पे गौर कीजिए, बिहार में पिछले 30 सालों से पिछड़ा की हुकूमत है। पसमानदा, दलित, पिछड़े की बात और मसीहाई करने वाले ये लोग, इनको मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, और मुसलमान भी अपनी बात शायद अब तक मजबूती से नहीं रख सके हैं। ये मुसलमानों की मसीहाई करने वाले आपके आसपास लीडर, नेता, वक्ती और जो बरसाती लोग मिलते हैं, बहुत सब्ज बाग दिखाते हैं। क्या कह रहे थे फिरोज साहब? जी, मैं ये कह रहा था कि सरकार जैसे तब्दील हुई तो हम लोगों ने समझा के पिछड़े और अत्यंत पिछड़े लोगों की सरकार बनी है, और हम लोग भी उसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। शायद सोशल
इंसाफ, सोशल स्टेटस और सोशल जस्टिस की बात करने वाली ये सरकार आई है, देखना है कि इनके साथ कितना जस्टिस होता है। शायद हमारा मसला हल हो जाए, लेकिन अब तक जो है उसके बाद फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपनी दरख्वास्त वहाँ तक भिजवाया और जनाब महबूब आलम जो CPM के MLA हैं उनको अपने दरख्वास्त दी। उन्होंने हम लोगों को कहा कि हम कल ही आपकी दरख्वास्त को वज़ीर आला तक पहुँचाएँगे और उन्होंने पहुँचाया भी है, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई, अब तक जो है उसके ऊपर कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। तहरीरी शक्ल में हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिला है ताकि जिस पर यकीन किया जा सके कि हमारे दरख्वास्त पर काम किया गया। आप लोग को हाई कोर्ट गए हैं, कितने लोगों ने पिटीशन दाखिल? हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी अपनी अर्जी दाखिल की है ताकि इधर से नहीं तो उधर से मामला बने, लेकिन हाई कोर्ट में मामला अभी ज़ेर इल्तवा है और उसमें लगभग 150 लोगों ने हम लोगों ने पिटीशन दायर किया है। 150 अगला लाहे अमल क्या है? अगला लाहे अमल हम लोग अभी हुकूमत के वज़रा से मुलाकात कर ही रहे हैं, शायद कि किसी के दिल में हमारी बात उतर जाए और हमारी परेशानी को ये लोग समझ लें और अपनी सतह पर जो है हमारे मसले को हल कर दे। अगर सरकार हमारे मसले को हल कर देती है तो हम कोर्ट से अपना जो है केस को विड्रॉ कर सकते हैं और सरकार के हम सुबहदार बनेंगे। हम अररिया से आए हैं और हम भी NCL से प्रभावित हैं। हमारी गुजारिश ये है सरकार से, इस तरह 14 वाले के साथ एक खसूसी उनके साथ रियायत करते हुए और उनका प्रथम इंटर जो एग्ज़ाम का स्तरीय एग्ज़ाम हुआ था उन लोगों का मसला ये फंसा था NCL का और उनको ये राहत दी गई थी कि उनको बैक डेट में NCL बना के दिया गया था और सबकी नौकरी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग जरिए ये हुआ था, तो हम भी सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे मसले में भी सेम वही रवैया अपनाया जाए जो कि 14 वाले के साथ किया गया। और ये मसला कोई बहुत बड़ा नहीं है, अगर सरकार चाहे तो मात्र सिर्फ 454 स्टूडेंट हैं मात्र, इनके ज़िंदगी 556 और इनके ज़िंदगी का सवाल है। और सरकार से हमारी ये गुजारिश है, कोई लड़ाई नहीं है हमारी, बल्कि हम उनसे मांग करते हैं कि ये और वो ये बहुत जायज़ मांग है, इसको पूरा किया जाए और हम लोग उस वक्त तक पटना में बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी ना हो जाती। 556 के आसपास ये लोग हैं और हाई कोर्ट के मुदाखलत के बाद गवर्नमेंट को या SSC को काउंसलिंग इनकी करनी पड़ी। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, दूर दराज से ये लोग आए हैं, महीनों से भटक रहे हैं और अगर ये मामला मुसलमानों का न होता तो शायद मामला कहीं और होता। BPSC के उम्मीदवारों ने जो हंगामा किया या अपने मुतालबा के तहत धरना प्रदर्शन किया, BPSC वो मान गई और मुख्यमंत्री ने बुला करके उनको कहा कि इनका एग्ज़ाम एक पाली में जैसे होता था वैसे लिया जाए। यहाँ पिछड़े मुसलमानों की बात है और ये पिछड़े की सरकार, पिछड़े पसमानदा की मसीहाई का दावा करने वाली सरकार को इस तरफ गौर करना चाहिए। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।